नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, 2020 मासिक राशिफल माह मार्च की इस कड़ी में आज हम आपके लिए सिंह राशि वाले जातकों के बारे में जानकारी देंगे कि सिंह राशि वाले लोगों का यह माह किस प्रकार से जाने वाला है। लेकिन उसके पूर्व इस माह में कुछ प्रमुख त्यौहार जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनके बारे में हम आपको पहले जानकारी दे देते हैं। 3 मार्च मंगलवार का दिन रहेगा, इस दिन होलाष्टक प्रारंभ होगा। 9 तारीख सोमवार का दिन रहेगा, होलिका दहन इस दिन की जाएगी। 10 तारीख मंगलवार को रंग गुलाल खेला जाएगा। 25 तारीख बुधवार के दिन, इस दिन नया सत्संबद्ध वर्ष जो है वो प्रारंभ होगा। 9 वर्ष जो हिंदुओं का रहता है वह इस दिन से प्रारंभ होगा, नवरात्रि का प्रारंभ होगा। व गुड़ी पड़वा जो सिंधियों का प्रमुख त्यौहार होता है वो इस दिन से प्रारंभ होगा। 26 तारीख गुरुवार को झूलेलाल जयंती, जैसे चेटी चांद भी कहते हैं, वह त्यौहार इस दिन मनाया जाएगा। 29 तारीख को श्री रविवार रहेगा, श्री पंचमी का त्यौहार इस दिन मनाया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह माह किस प्रकार से जाने वाला है। 1, 2 व 3 मार्च को आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। ऑफिस में जो है आपकी प्रशंसा होगी। आपके जो बॉस या उच्चाधिकारी हैं उनसे आपको सहयोग मिलेगा, वो आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। आपके अंदर गजब का इस समय कॉन्फिडेंस रहेगा। कैरियर में आपको स्थायित्व प्राप्ति होगी, मतलब कैरियर को लेकर के जो आपके मन में चिंता चली आ रही थी उसमें आज एक स्थायित्व की स्थिति देखने को आपको मिलेगी। धन प्राप्ति के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं, इस समय आपको धन प्राप्ति हो सकती है कहीं से अचानक। 4, 5 व 6 मार्च को विजय सूचक जो है समय रहेगा। सरकारी कामकाज में आप गति पकड़ेंगे। यदि कोई सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं तो उनके लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा। कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी, आपका आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। यदि आपके कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार का कोई भी संपत्ति को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के वाद विवाद को लेकर के कोई आपका कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसमें आपको निश्चित रूप से समय सफलता प्राप्त होने का संकेत दिखाई दे रहा है। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जीवन में आप थोड़ा सा बदलाव महसूस करेंगे और सुखद भाग्य भविष्य की आप कल्पना करेंगे। इस समय आपका भाग्य अच्छा रहेगा। 7 मार्च को आपका समय अनुकूल रहेगा। लाभ, जो कुछ भी आप लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं और जो कुछ भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद व स्नेह प्राप्त होगा। गुरुजनों के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। घर में किसी मांगलिक कार्य करने का योग दिखाई देता है। 8 व 9 मार्च को सन्मुख चंद्रमा होने के कारण आपका जो है समय सुखमय रहेगा। आपकी छवि में जो है सुधार आएगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और जो विद्यार्थी वर्ग है जो प्रतियोगिता परीक्षा या इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं या किसी नौकरी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए यह सफलता का समय है। उनके लिए निश्चित रूप से इस समय सफलता प्राप्त होने के लिए जा रही है। परिवार में एकता आपकी बनी रहेगी, परिवार में एक प्रकार की एकजुटता आपकी दिखाई देगी। 10 व 11 मार्च को आपको पारिवारिक मानसिक आपका जो संतोष रहेगा, स्वास्थ्य आपका इस समय उत्तम रहने के लिए जा रहा है। अपने रिश्तेदारों के समीप, अपने परिवार के समीप आप रहना पसंद करेंगे। मित्रों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में आप ज़्यादा समय व्यतीत करने का मन आपका रहेगा। 12 व 13 मार्च को आपको धन लाभ का योग दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। 14 व 15 मार्च को आपका समय जो है थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। आपके विरोधी पक्ष जो है वो थोड़े से आपके प्रबल होंगे, उभर कर सामने आएंगे, इसलिए थोड़ा सा विरोधियों व शत्रुओं से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की इस समय आवश्यकता है। 16 तारीख को ऑफिस की सारी परेशानियां आप अकेले ही उठाएंगे, इस कारण से आपके अंदर जो है काम का बहुत ज़्यादा दबाव रहेगी, आपकी सहन शक्ति जो है एकदम से जवाब दे जाएगी।
आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो उसमें भी आपका जो है काम काज में इस समय मन लगने के लिए नहीं जा रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी मन थोड़ा सा उचटता रहेगा। 17 व 18 मार्च को जो है आपकी प्रतिभा उभर कर सामने आएगी। आपके अंदर जो भी प्रतिभा है वह लोगों के सामने आपको दिखाई देगी। आपके उठाए जो कदम है, आपने जो भी कदम उठाए हैं, आप जो भी योजना बना रहे हैं, वो आप सही तरीके से उनको कार्य रूप में परिणत करने का यह समय है। मीडिया से संबंधित लोग जैसे लेखक, छात्र, प्रोफेसर तथा रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। वो इस समय जो भी कार्य करेंगे उसमें उनके लिए सफलता प्राप्त होगी। 19 व 20 मार्च को मौज मस्ती में आप अपने परिवार के साथ में मौज मस्ती मनाएंगे और अपने दायित्वों को पूरे तरीके से निर्वाह करने का आप प्रयास करेंगे। पूरे आपके खर्च की अधिकता तो रहेगी, लेकिन जितनी ज़्यादा खर्च की अधिकता रहेगी उतना ही ज़्यादा आपके पास में धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आने सामंजस्य आपका बैठा रहेगा। 21, 22 व 23 मार्च को समय आपका बहुत उत्तम रहेगा। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो आपको उसमें धन लाभ प्राप्त होने के लिए जा रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यदि इस समय आप परीक्षा इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के लिए जा रही है। 23 के बाद समय थोड़ी सी आपको समय में परिवर्तन आएगा, इससे आपके लिए थोड़ी सी कोई समस्या खड़ी हो सकती है। 24-25 को जो है अष्टमस चंद्रमा आपके लिए थोड़ा सा घातक रह सकता है। पति पत्नी में झगड़े हो सकते हैं, छोटे छोटे झगड़े होंगे, उससे आपका मनमुटाव होगा और छोटी सी बात एकदम से इतनी बड़ी तूल पकड़ लेगी कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकती है। वाहन आदि में आपके खर्चे हो सकते हैं, समय वाहन आपका खराब हो सकता है। बार बार खराब होने के कारण आपका जो है आर्थिक हानि हो सकती है, आपको उसमें खर्चा ज़्यादा करना पड़ सकता है और पारिवारिक मामलों को निपटाने में ही आपका जो है समय इस समय निकल जाएगा। 26, 27 व 28 को आपकी सारी समस्याओं से आप उभर कर सामने आएंगे, सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन में आपको सच्चे मित्र प्राप्त होंगे, जिनकी आप जो है हमेशा ऐसी उम्मीद करते हैं कि अच्छे दोस्त मिले, तो इस प्रकार के अच्छे दोस्त आपके लिए निश्चित रूप से मिलेंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य आप अपने हाथ में लेंगे जिसको आप जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। कहीं उत्सव आदि में, कहीं विवाह आदि में या किसी उत्सव आदि में आप सम्मिलित हो सकते हैं। 29 व 30 तारीख को मान सम्मान में आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप नौकरी पेशे वाले हैं तो वहां आपको बॉस व आपके उच्चाधिकारियों से आपको सम्मान मिलेगा। शुभ समाचार मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, कहीं से आपके नाते रिश्तेदारों के यहाँ से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। और यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको परिणाम बहुत अच्छे आने के लिए जा रहे हैं। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में या इंटरव्यू इत्यादि या नौकरी के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। 31 तारीख को आपका सर्व लाभकारी समय रहेगा, सब जगह से आपके लिए उत्तम रहेगा। किसी प्रकार के आप चाहे नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो या विद्यार्थी वर्ग हो, तो आपको सब प्रकार से इसमें सफलता प्राप्त होने के लिए जा रही है। उपाय के तौर पर आपको रविवार का व्रत कर लेना चाहिए व नित्य जो है आप यदि गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नित्य जो वीडियो आने वाले हैं वो आपके पास तक तुरंत पहुंच सकें और इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार बनाए रखें। आपका दिन मंगलमय हो, आपका यह मार्च का मंगलमय हो। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। मित्रों, यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी आपके जीवन में समस्या चली आ रही है, आपके बच्चे या बच्ची की शादी नहीं हो रही है या आपकी स्वयं की शादी नहीं हो रही है, आप पढ़ने के बाद आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका चलता हुआ व्यापार बंद हो गया है या आपके ऊपर किसी ऊपरी हवा का प्रभाव है, किसी ने कुछ कर दिया है, कोर्ट कचहरी से आप परेशान हैं, यानी जीवन से जुड़ी हुई समस्त आपकी जो भी समस्या हैं उनके समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो तरीका है वो ये है कि हमारे जो चैनल है उस पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, दो नंबर उस पर हमारे फ्लैश होते रहते हैं, उन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय एएम है या पीएम है और जन्म स्थान, यदि जन्म स्थान छोटा है तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस लिखें, वो आप लिख करके भेजें और आप क्या जानना चाहते हैं उसको यदि आप लिख करके भेजेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम आपको बताएंगे, उनके साथ भी आपको उनके उपाय बताएंगे। उसका तरीका ये है कि आप जब ये लिख करके भेजेंगे तो हम अपना अकाउंट नंबर आपके लिए देंगे,
जिसमें आपके लिए 1100 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। एक कुंडली देखने का हमारा जो चार्ज है वो 1100 रुपया है। मित्रों अभी हमने कंसेशन किया हुआ है, कुछ लोगों के विशेष आग्रह से ऐसे हमारा जो चार्ज था वो 3100 रुपया है एक कुंडली देखने का, यानी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का। लेकिन अभी वर्तमान में हमने कुछ समय के लिए इसको फीस को घटा करके 1100 रुपया कर दी है। तो 1100 रुपया हमारा चार्ज है एक कुंडली देखने का। दो कुंडली दिखाना चाहते तो उसका डबल हो जाएगा, तीन कुंडली दिखाना चाहते तो उस प्रकार से वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप दिखाना चाहते हैं तो 1100 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। उसके पश्चात हम आपको मैसेज करेंगे कि आप इतने समय हमसे टेलीफोन के माध्यम से बात कर लें। आप यदि हमसे रूबरू बात करना चाहते तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो उस समय हम आपकी कुंडली के माध्यम से कि आपकी कुंडली में क्या है उस सब सारी चीज़ों का विवरण आपके लिए बताएंगे और कुछ उपाय भी आपके लिए बताएंगे। तो इस प्रकार से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि आप हमसे कुंडली बनवाना चाहते तो ये हमारा कुंडली का नमूना, इस प्रकार से हम कुंडली बनाते हैं। ये कुंडली जो है इसमें जो कंप्यूटर से जो पेज निकलते हैं ये अलग है, लेकिन इसके अलावा हम इस प्रकार से हाथ से लिख करके देते हैं पूरे नवग्रह का। ये अलग अलग पन्नों में पूरे नवग्रह का हम लिख करके देते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है और वह ग्रह आपके लिए क्या फल देने के लिए जा रहा है, कौन सी दशाएं जब आपकी चलेंगी तो वो दशा आपका क्या फल देगी। और इसके पश्चात इसमें जो है हम पूरा देते हैं कि आपके बच्चे की या जिसकी कुंडली बना रहे हैं उसका अध्ययन कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में उसको डालना चाहिए, उसका भाग्योदय कब होगा, उसके विदेश आदि के योग हैं कि नहीं, उसका जीवन कैसा होगा, उसके जीवन में किस प्रकार की कोई भी बीमारी आ सकती है, और इसके पश्चात में काल सर्प दोष है कि नहीं है, मांगलिक कुंडली है कि नहीं, ये सब पूरा विवरण हम ये पूरा लिख करके देते हैं। तो इसका पूरा जो हमारा चार्ज है वो 3100 रुपया है, प्लस जो आपका पोस्टेज चार्ज है यानी हम यदि आप उसको हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से भेजना आप लेना चाहते हैं तो उसका जो चार्ज है वो अलग होता है। तो इसकी भी वही प्रक्रिया है कि आप व्हाट्सएप पर अपना पूरा डिटेल भेजें और उसके पश्चात हमारे अकाउंट नंबर में आपको 3100 रुपये जमा करना पड़ेगा, प्लस कुरियर चार्ज जो भी होगा 150-200 रुपया वो आपको जमा करना पड़ेगा। उसके पश्चात यह कुंडली हम जो है आपको बना करके आपके घर के एड्रेस पर भेजेंगे, उसको आपको अपना घर का एड्रेस भेजना पड़ेगा। उसका जो चार्ज है इसमें जो समय जो लगता है कुंडली बनाने में कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगता है, उतना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 20 से 25 दिन के पश्चात यह कुंडली आपके लिए प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की हम कुंडली भी बनाते हैं। तो आपको यदि हमसे संपर्क करना है तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से आप चाहें कि फ्री में कोई बता दें तो फ्री में नहीं बताएंगे, उसका हमारा चार्ज होता है। आपको 1100 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा और यह सुविधा हमने कुछ समय के लिए दी है। ये 2020 के लिए हमने यह सुविधा की, यानी एक वर्ष तक हम यह सुविधा आपके लिए प्रदान करेंगे। और जो कुंडली का चार्ज है उसमें भी हमने 2000 रुपये कम कर दिया, 5100 की जगह हमने 3100 रुपये कर दिया है। तो इसका आप लाभ निश्चित रूप से ले सकते हैं। तो मित्रों यदि आप अपने जीवन में किसी भी रूप से आप परेशान हैं तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क करें। आपका दिन मंगलमय हो, हमें आगे